पहले तो बड़े ही अद्भुत लग रहे हैं आप, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जिस तरह से आप बातें करते हैं। थैंक यू। तो आपकी वॉइस ओवर की वॉइस के मेरे बारे में मैंने बात की, तो सबसे पहले उसके बारे में बताइए जी, आपको जेनेटिक मिला है या क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जेनेटिक डेफिनेटली मिला है। मैं वो कोशिश नहीं करता हूँ कि मेरी आवाज़ इस तरीके से हो या उस तरीके से हो, जैसे मुझे जो नेचुरल आता है वैसे ही है। जी। एंड काला के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बड़ी ही तारीफ मिल रही है, बहुत जी जी नहीं, मैं इतना कहूँगा कि आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि सबको काला बहुत पसंद आया, मेरा परफॉर्मेंस भी बहुत पसंद आया। ये शुभेंदु मुखर्जी जो मेरा किरदार का नाम है, शुभेंदु मेरे लिए बहुत एक बहुत स्पेशल कैरेक्टर है और बहुत इमोशनल कैरेक्टर भी है मेरे लिए। तो और हार्ड वर्क भी काफ़ी किया इस कैरेक्टर को स्क्रीन पे लेके आने के लिए, तो उसके लिए आई हैव टू से थैंक यू। कैसे मिली आपको काला? एक्चुअली जी, तो एक्चुअली बाजार के बाद मैं बिजॉय सर से मिला था, उनको मेरा परफॉर्मेंस बाजार में काफ़ी अच्छा लगा और हम कुछ प्लान कर रहे थे उस वक्त, ये 2019 की बात है, 2019 की, पर अनफॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्ट कभी हमने वो वी डिडंट गेट अ चांस टू डू इट टुगेदर, पर आई थिंक हम दोनों को साथ में काम करना था और उस वक्त मैं काफ़ी अपसेट था कि ये प्रोजेक्ट हमने नहीं किया साथ में, पर फिर कोविड हुआ 2020 में, कोविड 2020-2021, फिर 2022 में उन्होंने मुझे फ़ोन किया था बिजॉय सर ने और ये कहा कि मेरे पास एक कहानी है, एक स्क्रिप्ट है मेरे पास, 4 एपिसोड में आपको सेंड कर रहा, आप एक बार उसको बस पढ़ो, आपको क्या लग रहा है उसमें, आपको कौन से किरदार अच्छे लग रहे हैं, आपको कहानी कैसे लगी। और ऑलमोस्ट इंस्टेंटली मैं शुभेंदु मुखर्जी के कैरेक्टर से कनेक्ट हुआ, तो ये है कहानी। तो आपको बताया गया कि आपको काला के लिए आपने कैसे मिली, मतलब ऑडिशन दिया आपने या? नहीं, काला के लिए मैंने ऑडिशन नहीं दिया। बिजॉय सर, जैसे मैंने कहा कि बिजॉय सर को बाजार का मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा और आई थिंक उन्होंने उस कैरेक्टर या मेरे में कुछ देखा उस रोल में, व्हिच ही फेल्ट ही कुड यूज इन काला। जी, बाजार एंड काला बहुत ही लंबा टाइम लिया है, उसमें से तो हम कोविड पकड़ सकते हैं, 3 साल तो कोविड मान लेते हैं, नहीं अभी क्या है कि बाजार और काला के बीच में, बाजार 2018 में आई, काला 2023 में, 2021 में मेरा एक और रिलीज था 420 IPC जो अभी Z5 पर है, उसमें मैं एक डिफेंस काउंसिल, एक लॉयर का रोल निभा रहा हूँ, तो वो भी रिलीज हुआ है। उसके बाद मैंने FOMO Shorts जो Amazon Prime का शो है उसमें Season 3 में था। मैं हमेशा कहता हूँ कि शायद मेरा PR कमज़ोर है, इसलिए लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि मैंने काफ़ी काम किया है, काफ़ी स्ट्रगल भी किया है बाजार और काला के बीच में। मैं बिल्कुल चूजी और सेलेक्टिव नहीं हूँ, जो भी काम, ख़ासतौर जो भी काम मुझे मिलता है मैं करता हूँ। FOMO Shorts 420 IPC के लिए सब और जो बीच में जो हुआ था ऑडिशन दिया उसके लिए 2018 से लेके आज तक मैं ऑडिशंस दे रहा हूँ जो भी आता है, तो वो एक स्ट्रगल है, मैं उसको स्ट्रगल नहीं कहूँगा, मैं उसको एक प्रोसेस कहूँगा, क्योंकि आई थिंक मोस्ट एक्टर्स हैव टू गो थ्रू दैट। तो सेलेक्टिव नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे जितना भी काम मिले वो अच्छा है मेरे लिए। इफ आई हैड इट माय वे आई वुड बी ऑन सेट एवरी डे। जी, किस तरह के किरदार का इंतजार रहता है आपको? ऐसे कुछ पर्टिकुलर किरदार नहीं है, बस मुझे उम्मीद है कि जो भी किरदार मैं आगे जाके प्ले करूँ, निभाऊँ, उसका राइटिंग अच्छा होना चाहिए। कि अगर एक किरदार का राइटिंग जो एक ग्राफ है, कैरेक्टर ग्राफ है, उसका एक अच्छा बैक स्टोरी है, उसके अच्छे सीन्स हो, उसका एक इम्पैक्ट है कहानी में, दैट्स द काइंड ऑफ कैरेक्टर आई वांट टू प्ले। जी जी हाँ जी जी, तो कास्ट इज माई सेल्फ, मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, श्रेया धनवंतरी भी हैं और डायना पेंटी भी है उसमें। मैं इतना कहूँगा कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और उसमें कुछ हॉरर एलिमेंट्स भी हैं और कहानी बहुत एक्साइटिंग है। आई थिंक एक ऑडियंसेस को अच्छा लगेगा, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, एक कहानी इज ईजी टू ग्रास्प एज वेल, उसमें काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो आई थिंक लोगों को अच्छा लगेगा।
कंप्लीट, शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, फिल्म रेडी है, बस आई थिंक प्रोड्यूसर्स तय कर रहे हैं कि कब रिलीज करें, तो उसी का इंतजार है बस, इसी साल आएगी मोस्ट प्रोबेबली। कैसा रहा एक्सपीरियंस, आपने बताया कि नवाजुद्दीन हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जी मजे हुए कलाकार माने जाते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत गिविंग एक्टर है, गिविंग मतलब सीन में आपको टिप्स देंगे, आपके साथ सीन डिस्कस करेंगे, आपको एक स्पेस देंगे सीन में, तो उनका आई थिंक हर सीन को लेकर उनका मकसद ये है कि हम सीन को अच्छा कैसे बनाएं, हम सीन को एलिवेट कैसे करें, ये नहीं कि मेरा परफॉर्मेंस कैसे हो या उनका परफॉर्मेंस कैसे हो, कि हम साथ में ये करें, हम साथ में पिक्चर बना रहे हैं, हम साथ में सीन कर रहे हैं और साथ में हम इसको बेटर कैसे बना सकें। जी नहीं वो सच है, उनकी जो मेमोरी है, हाँ आपने सही सुना है, उनका जो हम कहते एक्टरों के लिए एक प्रोफेशनलिज्म जो है कि आप लाइन याद करो, फिर आप लाइन को एक अलग तरीके में एक टेक में यू कैन की मिक्सिंग इट अप, उनका वो इट्स अमेजिंग, बहुत इंस्पायरिंग है मेरे लिए। और आपने पूछा कि फर्स्ट दिन कौन सा था, हमने एक छोटा सा टीजर शूट किया था साथ में नवाज सर के साथ, मैं नवाज सर और श्रेया भी थी उस वक्त उस दिन, और एक्चुअली टीजर में जो यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं और फैंस भी जाके ऑडियंस भी जाके देख सकते हैं, उसमें एक एक्चुअली डायलॉग सिर्फ नवाज सर का है उसमें, जो जिस तरीके से उन्हें वो डायलॉग दिए, वो लाइंस डिलीवर किए, और हमने काफ़ी टेक्स लिए थे उसके, और हर टेक में अलग, हर टेक में अलग, और ऐसे कभी उनको ये नहीं हुआ कि यू नो मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी हूँ, मैं सिर्फ एक टेक हुआ, नहीं हमने इतने सारे टेक किए और एवरी टेक ही ब्रॉट समथिंग फ्रेश, और वो कभी ये ऐसे नहीं हो कि यार हम एक और टेक क्यों ले रहे, ऐसे कुछ नहीं था, एवरी टेक ही वॉज इंथ्यूजियास्टिक, एक नए एक न्यू कमर के जैसे उन्हें दिया, तो वो इंस्पायरिंग था। फर्स्ट दिन से मुझे पता लगा कि यार ये जो मैंने सोचा नवाजुद्दीन सर के बारे में, उन्होंने उसको 100 टाइम्स अप किया। बिल्कुल जी बिल्कुल। और एक चीज, आपके डैड हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, लेकिन जब आप आए इस दुनिया में उसके बाद से ही, तो कुछ उनके उनके कुछ पद चिन्हों को फॉलो करते हैं हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड रहे, सुपरस्टार रहे? नहीं डेफिनेटली वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, जब भी मैं उनकी फिल्म्स देखता हूँ, जिस तरीके से वो अपने कैरेक्टर को अप्रोच करते हैं, जिस तरह से अपने डायलॉग्स को डिलीवर करते हैं, जिस तरह के फिल्म्स उन्होंने चूज़ किए, उनका जो फिल्मोग्राफी बहुत डाइवर्स है, वो उन्होंने कॉमेडी भी किया और स्लैपस्टिक कॉमेडी भी किया, एक सिचुएशनल कॉमेडी भी किया, ड्रामा भी किया, थ्रिलर भी किया, आई थिंक बहुत कुछ सीखने को मिला बाय जस्ट वॉचिंग हिम। अभी अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसे हुआ है कि आई नेवर गॉट टू मीट माई फादर, he passed away when my mom was pregnant with me, but I think meri life ka ek maqsad ye bhi hai ki understand my father more, wo rishta jo baap bete ka rishta hai wo samjho achi tarah se, to maine wo mere life ka ek maqsad banaya hai ji। kaun si film mein bahut hi dekhte hain aap, kaun si film mein unki bahut hi kareeb hai aapke? ek film hai bemisal जी, बेमिसाल मुझे बहुत पसंद है, दूसरी है घर रेखा जी के साथ, उसमें एक उनका परफॉर्मेंस मुझे बहुत सिंसियर लगा, बहुत नेचुरल परफॉर्मेंस लगा, और फिल्म भी मुझे काफ़ी प्रोग्रेसिव फिल्म लगी उस ज़माने के लिए। अनुराग एक दूसरी फिल्म है जो उन्होंने किया था आई थिंक 70s में, खुददार मिस्टर बच्चन के साथ, वो भी फिल्म, बहुत सारे फिल्म है ऑनेस्टली सब पसंद है मुझे जी। आई थिंक इनिशियल रिएक्शन जो था, लोगों को लग रहा था कि मैं बहुत करीब हूँ नेपोटिज्म से, फिर अभी जब समय पास हुआ और
उन्होंने मुझे इतना देखा नहीं स्क्रीन पे, मैं सिर्फ पब्लिक का बोल रहा हूँ अभी। आई थिंक उनको लगता है मैं नेपोटिज्म से बहुत दूर हूँ, मुझे जो लगता है कि मैं शुरू से नेपोटिज्म से बहुत दूर हूँ। और एक अच्छा भी सा लग रहा है कि पीपल आर गेटिंग टू अंडरस्टैंड नाउ कि मैं जो भी मुझे काम मिलता है वो नेपोटिज्म की वजह से नहीं है। पर मैं ये कहूँगा कि नेपोटिज्म डेफिनेटली एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट्स और हर इंडस्ट्री में है, ये नहीं कि सिर्फ हमारी फिल्म इंडस्ट्री में है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री अभी ऐसी एक इंडस्ट्री है जो हमेशा पब्लिक आई में है और न्यूज़ उस पर बहुत, और सिर्फ न्यूज़ नहीं एक्सेसिबल न्यूज़ जो सब पढ़ सकते हैं और सबको एक अंडरस्टैंडिंग मिल सकता है। तो हमारे इंडस्ट्री में जो नेपोटिज्म जो एम्फोसिस है वो ज़्यादा है इस वजह से। पर मेरे अपने जर्नी में आई हैव नॉट एक्सपीरियंस दैट मच। और हाँ आई थिंक ओवर टाइम पीपल विल रियलाइज दैट। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, जितने भी लेडियन एक्टर हैं आपके डैड के टाइम पे, चाहे मैं मिस्टर बच्चन की बात करूँ, रेखा जी की बात जी, कभी ऐसे आता है आपके ख्याल में इनके साथ काम करने का अगर मुझे मौका मिले तो? जी अपने डैड की कुछ आप क्या आपके दिमाग में इन सारी चीजें चलती है जो जिन्होंने आपके डैडी के साथ में काम किया है, ऐसी कभी इच्छा आती है कि मैं भी उनके साथ काम करूँ? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आई वुड लव टू वर्क विद मिस्टर बच्चन, मेरा एक ड्रीम है। रेखा जी के साथ 100% एक ड्रीम है। कमल हसन जो उनके ख़ास दोस्त हैं, उनके साथ भी मुझे काम करना है। तो मैं तो एक सिनेफाइल, मैं फिल्म फ़ैन हूँ। अब ऐसे इत्तेफाक से हुआ कि माय फादर वाज अ फिल्म एक्टर, पर अगर वो आज फिल्म एक्टर नहीं भी होते, आई थिंक मैं इन सब लेजेंड्स का बहुत फैन होता। आई लव फिल्म इंडस्ट्री। चलिए जाके आते अद्भुत आपके जल्दी अनाउंसमेंट हो, कुछ कहेंगे अपने फैंस को अद्भुत के लिए? अद्भुत के लिए आप लोग बहुत एक्साइटेड रहो क्योंकि फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत थ्रिलिंग फिल्म है, एक अलग जॉनर है और आप मुझे एक अलग रूप में देखेंगे। एंड आई थिंक यू रियली एंजॉय इट। जी थैंक यू सर।